नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार फ्रॉम हिमाचल प्रदेश जिला चंबा। तो आज जो है मौसम बहुत ही अच्छा है, सुबह के बज रहे हैं 7, तो बहुत ही अच्छी आज जो है धूप निकली है बहुत दिनों के बाद। और ये देखो सुबह सुबह की जो धूप है वो कितनी अच्छी लग रही है, और पहाड़ जो है अगर आप देखो तो सारे ग्रीन दिख रहे हैं। ये देखो पहाड़ जो है कितने खूबसूरत धुले धुले से लग रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो हिमाचल प्रदेश जिला चंबा से आओ हिमाचल घर से घूमें। तो पेशे से मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। टैक्सी तो फिलहाल अभी चल नहीं रही है, टूरिस्ट जो है कोई है नहीं। अब शायद जो है आगे आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ने जो है कुछ ना कुछ तो टूरिज्म के लिए कर रहे हैं, पर तब तक तो मेरे पास कुछ काम है नहीं। तो पहले मैं आप लोगों को टैक्सी से ये सारे व्यूज दिखाता था, आज मैं घर से ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए जो सुबह सुबह की जो पहली लाइट है कितना अच्छा सब देखने में लग रहा है। ये देखो व्यूज जो है बहुत ही ज़बरदस्त, मौसम बहुत अच्छा है ना आज। ये देखो मौसम बहुत ही अच्छा है, आज आसमान जो है साफ है। आज पहली बार जो है पूरा आसमान जो है साफ दिखा है। तो ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, अभी मैं थोड़ा जो है घर का काम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले काम जो है हमारा सुबह उठते ही ये पशुओं को बाहर धूप में जो है लेके जाना होता है। रुक 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 रुक, तभी आगे बंद कर दें। पूरी ये अंदर लम्बा है जोड़ा उगा से देव करन ये है हमारा सुबह उठते ही सबसे पहला काम, कि सबसे पहले जो है हमें पशुओं को बाहर जो है धूप में खड़ा करना पड़ता है। ये सबसे ज़रूरी काम हिमाचल प्रदेश में गांवों का, जो हर दिन में जो है ये हर दिन का जो है सबसे ज़रूरी काम। सबसे पहले जो है गाँव की दिनचर्या जो है इस ही काम से जो है स्टार्ट होती है। और ये हमारा जो है दूसरा जो है सबसे ज़रूरी काम, कि पशुओं से जो नीचे गोबर होता है
उसको जो है खेतों में डालना, ये हमारा सबसे ज्यादा जो जरूरी काम होता है। तो ये जो सूखी पत्तियां हैं इसको हम अलग से रख लेंगे, ये इसलिए हम ज्यादा डालते हैं कि पशु जो है वो उन पे जो है ये गंदगी ना लगे, इसलिए हम ये बहुत ज्यादा जो है नीचे बिछोना बोलते हैं इसको, बिछोना डाल देते हैं कि पशु जो है मल मूत्र से जो है उन पे कोई दाग ना लगे। ये वो सूखी पत्तियां जो है ऊपर से हटा ली गई हैं, और ये जो है अब ये सबसे जरूरी काम जो है ये है। चलिए तो कैसी हो, बंद कर दी जाए। जाना है जी। तो यहाँ का बंद कर दिया, हाँ जी। बंद करी जा रही है ऐसे। आई जा कर उपरा और प्रा कर विंजो दिखाना और प्रा कर इंडिया और प्रा कर नहीं है ना जिंदा ले वे मुड़ू दिखा थना उपरा कर अपनी आखी भी दिखना पचा बच्चे दिखता दिखता तू ये देखिए ग्रीनरी जो है कितनी अच्छी ग्रीनरी है। तो ये था हमारा डेली का रूटीन वर्क, सुबह उठते ही हमें ये सबसे पहले दो जरूरी काम जो है करने होते हैं। सबसे पहले पशुओं को बाहर जो है घर के बाहर करना होता है, और दूसरा जो उनका गोबर वगैरह होता है उसको इकट्ठा करके खेतों में डालना होता है। ये हिमाचल प्रदेश गांव के सबसे रूटीन वर्क में सबसे स्टार्टिंग के जो काम होते हैं यही दो जरूरी काम होते हैं। इसके बाद ही जो है हमारी चाय वगैरह जो है बनती है, क्योंकि सबसे पहले हमें दूध निकालने के लिए गौशाला में जाना पड़ता है। तो ये सारे काम करके ही फिर जो है हमारा किचन का चूल्हा जो है ये जलता है। मेरा जो गांव है वो ये है, ये जो आपको घर दिख रहे हैं ये मेरा गांव है, ये मेरा गांव है। तो यहाँ पे हमारी ऊपर खेती है, तो खेतों के लिए हर दिन जो है सुबह आना पड़ता है, फिर शाम को जो है वापस जो है जाना पड़ता है। तो बरसात के दिनों में आने जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये इस इनको हम जो है दुधार बोलते हैं, कि ये जो हमारी ऊपर ज़मीनें होती हैं पहाड़ के ऊपर, तो इनको हम दुधार बोलते हैं। तो मैंने यहीं पे एक रूम अपने लिए बना लिया था कि हर दिन जो है नीचे से आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे जब तक हमारा ये मक्की का सीज़न होता है फसलों का,
तभी तक हम जो है यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद जो है इन जगहों पे ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर जो नीचे लोग जो है अपने अपने गांव में वापस चले जाते हैं। तो ये हमारे टेम्परेरी रेजिडेंस होते हैं इन जगहों पे। तो मेरे पास और भी पशु हैं, ये इधर तो हमने दूध के लिए टोटल गाय को रखा हुआ है, क्योंकि बाकी तो खेती हमारी स्टार्ट है तो पशुओं को चराने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो जब ये फसल कट जाती है फिर हम नीचे जो है और भी पशुओं को लेकर अपने साथ आ जाते हैं। तो अभी जो मेरे और पशु हैं वो नीचे भाई संभालता है, उसमें एक गाय और दो बैल और हैं। तो बैल तो हमें रखने ही पड़ते हैं खेतों की जुताई के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।